हेलो एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। हाइपरफाइन स्ट्रक्चर से पहले हमने किया है कि ज़ीमन इफ़ेक्ट किया है। ज़ीमन इफ़ेक्ट में हमने क्या किया है कि जब हम किसी एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, तो हमने क्या किया था, जब एटम को हम मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे थे तो हमने किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, ठीक है। जे क्या था, एल प्लस एस। एल क्या था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एस क्या था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और जो टोटल आया था जे, वो क्या आया था, किस लिए आया था, इलेक्ट्रॉन के लिए आया था। ये क्या था, जे, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जब हमने ज़ीमन इफेक्ट किया था, हमने सिर्फ माना था इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। हमने यहाँ पे जो न्यूक्लियस था उसे रेस्ट पे माना था, उसकी इंटरेक्शन हमने नहीं देखी मैग्नेटिक फील्ड के साथ। बट एटम में न्यूक्लियस भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी इंटरेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ और न्यूक्लियस भी इंटरेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो याद रखना है, एक होता है फाइन स्ट्रक्चर, एक होता है हाइपर फाइन स्ट्रक्चर। फाइन स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उसकी वजह से जो स्प्लिटिंग होगी उसे हम बोलेंगे फाइन स्ट्रक्चर। और जो ज़ीमन इफेक्ट हमने किया है वो फाइन स्ट्रक्चर के अंडर आएगा। अब एटम में इलेक्ट्रॉन नहीं है, न्यूक्लियस भी है, तो न्यूक्लियस भी इंटरेक्ट करेगा। तो हाइपरफाइन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ न्यूक्लियस भी जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है तो उसकी वजह से जो स्प्लिटिंग होती है उसे हम बोलते हैं हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। तो याद क्या रखना है, फाइन स्ट्रक्चर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, हाइपरफाइन में क्या होता है, न्यूक्लियस भी इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन के साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी इंटरेक्ट करेगा, न्यूक्लियस भी इंटरेक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे थे जेत की, ठीक है। जे क्या था, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे जब हम टोटल एटम की बात करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एफ। एफ क्या है, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम। ये है एटम का, एटम में क्या है, एक तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का टोटल एंगुलर मोमेंटम है, एक क्या आ जाएगा यहाँ पे, न्यूक्लियस का। ठीक है, तो F क्या हो जाएगा, टोटल एटम का J प्लस I। J क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। I क्या है मेरे पास, न्यूक्लियस का एंगुलर मोमेंटम। J को हम लिख सकते हैं L प्लस S। तो यहाँ से मेरे पास जो F है वो वेरी करेगा I माइनस J टू I प्लस जे तक, ठीक है। जे की वैल्यू हमें पता है एल प्लस एस है, और आई क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन होगा न्यूक्लियस का जो भी मोमेंटम होगा, ठीक है। जैसे इसकी ही एक एग्जांपल करते हैं, तो याद रखना है एफ क्या होगा मेरे पास, आई प्लस जे। जैसे 2p 3/2 है और मुझे स्पिन गिवन है 1/2, न्यूक्लियस की स्पिन गिवन है, ठीक है, क्या होगी, हाफ। अब हमें क्या पता करना है, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर फाइंड करना है इसके क्रॉसपॉन्डिंग, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर फाइंड करना है इसके क्रॉसपॉन्डिंग। तो अगर हाइपरफाइन स्ट्रक्चर फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए, एफ चाहिए। एफ के लिए अब क्या होगा, एफ फाइंड करने के लिए आई की वैल्यू तो गिवन है हमें, अब हमें फाइंड करनी है जे की वैल्यू। जे हमें टर्म सिंबल किया है तो जे की वैल्यू क्या गिवन है, 3/2। तो एफ क्या हो जाएगा मेरे पास, आई माइनस जे टू आई प्लस जे। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 1/2 माइनस 3/2 टू 1/2 प्लस 3/2। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास माइनस 2/2, 1 हो जाएगा 2, 4/2 2 हो जाएगा। तो F की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2।
ठीक है, तो ऐसे हम f की वैल्यूज़ निकालेंगे जैसे हमने जीमन इफेक्ट में स्प्लिटिंग की थी, ठीक है। अब वैसे इसमें स्प्लिटिंग कैसे होगी, अब ये है मेरे पास 2p 3/2, आई की वैल्यू है हाफ, जे की वैल्यू क्या है 3/2, तो यहाँ से कितने लेवल में स्प्लिट हो रहा है, ये 2 में, क्योंकि f की कौन सी वैल्यूज़ आई हैं मेरे पास 2। अब क्या है, इन दोनों की कपलिंग की वजह से पहले तो ये एक लेवल में थे, ठीक है, बट जब मैंने ये था जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी, ये क्या है जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो इन दोनों की कपलिंग की वजह से मेरे पास लेवल्स आ रहे हैं। जब मैं इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगी तो इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस आएगा, तो इसकी वजह से मेरे पास क्या हो रहे हैं, लेवल्स स्प्लिट हो रहे हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। अब जितनी एफ की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही एनर्जी कम होगी, जितनी एफ की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी एफ की वैल्यू जितनी एफ की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही एनर्जी ज़्यादा होगी। ये पॉइंट बिल्कुल ऑपोजिट है किससे, जो हमने फाइन स्ट्रक्चर किया है, फाइन स्ट्रक्चर मीन्स जीमन इफेक्ट में किया है, ठीक है। तो याद रखना है जितनी एफ की वैल्यू कम होगी उतनी ही एनर्जी कम होगी, चाहे वो हाफ फील्ड है चाहे वो हाफ फील्ड से ज़्यादा है, ठीक है, या फिर हाफ फील्ड से कम है। तो ईच केस में क्या होगा, जितनी एफ की वैल्यू हमारी कम होगी उतनी ही एनर्जी कम होगी। जैसे यहाँ पे तो आई की वैल्यू 1/2 थी, अगर यहाँ पे 3/2 हो जाता, ठीक है, अगर 3/2 हो जाता तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, यहाँ पे भी आ जाएगा 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0, 0, 2, 6/2, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से एफ की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी मेरे पास, 0, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज आ जाएंगी। अगर मैं इसका बनाऊं तो f की जितनी वैल्यू कम होगी उतनी ही एनर्जी कम होगी, तो यहाँ पे f 0 आ जाएगा, f 1 आ जाएगा, f 2 आ जाएगा और f 3 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें देखनी है ट्रांजिशंस, तो ट्रांजिशंस के लिए यहाँ पे भी सेम रूल है, डेल्टा एफ़ की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर प्लस माइनस 1 हो सकती है, ये हमारा क्या है, सिलेक्शन रूल। तो यहाँ पे सिलेक्शन रूल क्या है ट्रांजिशन के लिए, मेरे पास जब डेल्टा एफ की वैल्यू 0 या फिर प्लस माइनस 1 होगी तो मेरे पास अलाउड ट्रांजिशंस आएंगी। इसमें याद रखना है जैसे हमने जीमन इफेक्ट में किया था 0 to 0 ट्रांजिशन उसमें पॉसिबल थी, 0 to 0 लेवल में ट्रांजिशन पॉसिबल थी, बट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे ये ट्रांजिशन क्या है, फॉरबिडन है। तो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है सिलेक्शन रूल तो सेम है बट यहाँ पे 0 to 0 ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर हम ट्रांजिशन करें, ठीक है, ये तो सिर्फ एक ही लेवल के लिए बनाया था, तो यहाँ पे ट्रांजिशन जैसे 0 to मेरे पास 0 to 1 पॉसिबल है, ठीक है, बाकी ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं है, 1 to 2 पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसकी ही एक एग्जांपल, जैसे मेरे पास ट्रांजिशन है 2s ½ to 2p 1/2, तो यहां से मुझे i की वैल्यू गिवन है हाफ, ठीक है, हमें इसका हाइपरफाइन स्ट्रक्चर फाइंड करना है। तो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर फाइंड करने के लिए पहले हमें j की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब मेरे पास 2 लेवल्स हैं, ठीक है, अगर मेरे पास 2 लेवल्स हैं, ये क्या है 2s 1/2 है, ये क्या है 2p 1/2 है। यहाँ पे j की वैल्यू क्या है, हमें टर्म सिंबल निकालने आते हैं, तो j की वैल्यू क्या है, हाफ है, और i की वैल्यू हमें गिवन है हाफ। इसके लिए j की वैल्यू हाफ है और i की वैल्यू क्या है 1/2,
2 है. अब f की वैल्यू क्या हो जाएगी, i माइनस j 2i प्लस j, तो f क्या हो जाएगा 1 बाई टू माइनस 1 बाई टू टू 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 टू 1. ठीक है, तो f की मेरे पास टू वैल्यूज आ जाएंगी 0 एंड 1. इस केस के लिए भी 0 एंड 1 आ जाएंगी और इस केस के लिए भी 0 एंड 1 आ जाएंगी, क्योंकि दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है. अब ये था जब मैग्नेटिक फील्ड 0 थी. जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, पहले ये लेवल्स क्या थे, डीजर्नेट थे, पर इन दोनों की कपलिंग की वजह से ये लेवल्स क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, क्योंकि दो लेवल्स में, ठीक है, स्प्लिट हो रहा है. यहाँ पे f1 हो जाएगा, यहाँ पे f0 आ जाएगा. यहाँ पे f1, यहाँ पे f0. अब करते हैं ट्रांजिशंस. अब यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि इस ट्रांजिशन के लिए हमारे पास कितनी हाइपरफाइन लाइंस आएंगी. ठीक है, तो इसके लिए हमें पता है सिलेक्शन रूल क्या है. डेल्टा एफ की वैल्यू या तो 0 हो सकती है जब प्लस माइनस 1 और 0 टू 0 ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है. अब 0 टू 0 नहीं जा सकते, 0 टू 1 जा सकते हैं. F वन टू F ज़ीरो जा सकते हैं, F वन टू F वन जा सकते हैं. तो यहाँ पे मेरे पास कितनी ट्रांजिशंस पॉसिबल है, 3. तो मेरे पास 3 हाइपरफाइन लाइंस आ जाएंगी. ये क्या है, हमारा हाइपरफाइन स्ट्रक्चर. तो याद क्या रखना है सिर्फ आपको, कि हाइपरफाइन में इलेक्ट्रॉन के साथ साथ न्यूक्लियस भी इंटरेक्ट करेगा. जो हमारा एफ होगा वो क्या है, टोटल एटम का है. एटम में क्या होगा, एक न्यूक्लियस का भी ऐड होगा, जे हो जाएगा, प्लस आई. आई क्या होगा, स्पिन होगी, किसकी, न्यूक्लियस की. तो एफ की वजह से यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी, उसको बोलेंगे हम हाइपरफाइन स्ट्रक्चर. नेक्स्ट है हमारे पास, इसकी एग्जांपल्स करते हैं. फर्स्ट है कि 2p1 बाई 2 टू 2d3 बाई 2 तक ट्रांजिशन गिवन है. हमें इसके लिए फाइंड करनी है क्या, हाइपरफाइन लाइंस. तो हाइपरफाइन लाइंस के लिए हमें यहाँ पे i की वैल्यू क्या गिवन है, 2. ठीक है, i की वैल्यू हमें ऑलवेज गिवन होगी, सिर्फ आपको j की वैल्यू फाइंड करनी है गिवन टर्म सिंबल से. अब अगर हमने इसकी 2p हाफ टू 2d 3 बाई 2 तक है, तो मेरे पास 2 लेवल्स हैं. कौन सा, 2p हाफ और 2d 3 बाई 2. यहाँ से अब यहाँ टर्म सिंबल से हमें पता चल जाएगा j की वैल्यू क्या है, 1 बाई 2 है. i की वैल्यू हमें 2 गिवन है. यहाँ से j की वैल्यू क्या है, 3 बाई 2 है, और i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2. तो f की वैल्यू क्या होती है, i माइनस j 2 i प्लस j. तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2 माइनस 3 बाई 2 2 प्लस 3 बाई 2. तो यहाँ से आ जाएंगी 4 माइनस 1 बाई 2, यहाँ से आ जाएंगी 4 प्लस 7 बाई 2, यही आ जाएगा, आ जाएंगे. ठीक है, 1 बाई 2 टू 7 बाई 2 तक. अब यहाँ से 1 बाई 2, 3 बाई 2, 5 बाई 2 और 7 बाई 2, चार लेवल्स आ जाएंगे. f की हमारे पास चार वैल्यूज आ जाएंगी. तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास कितने लेवल्स आएंगे, 4. जितनी f की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी. तो यहाँ पे आ जाएगा 7 बाई 2, 5 बाई 2, 3 बाई 2 और 1 बाई 2. अब देखते हैं इसके लिए क्या हो जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा हाफ, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हाफ. तो
टू माइनस यहाँ पे आ जाएगा फोर माइनस वन बाय टू टू फोर प्लस वन बाय टू, यहाँ से आ जाएगा थ्री बाय टू टू फाइव बाय टू तक। तो यहाँ से f की हमारे पास टू वैल्यूज आई, थ्री बाय टू एंड फाइव बाय टू। तो इसके हमारे पास टू लेवल्स आएंगे, जितनी f की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही एनर्जी ज़्यादा होगी। अब हमें देखनी है नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइंस। तो नंबर ऑफ हाइपरफाइन लाइंस के लिए हमारे पास सिलेक्शन रूल क्या है, डेल्टा f की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो ज़ीरो या फिर प्लस माइनस वन। डेल्टा एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो ज़ीरो या फिर प्लस माइनस वन, और ज़ीरो टू ज़ीरो ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ से थ्री बाय टू, तो अगर मैं वन बाय टू तक आऊँ, थ्री बाय टू माइनस वन बाय टू, थ्री बाय टू माइनस वन बाय टू, तो ये क्या हो जाएगा, टू बाय टू वन हो जाएगा, तो ये वाली ट्रांजिशन पॉसिबल है। थ्री बाय टू टू, थ्री बाय टू ज़ीरो आ जाएगा, ये भी पॉसिबल है। थ्री बाय टू टू फाइव बाय टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे टू बाय टू वन आ जाएगा, ये भी पॉसिबल है। थ्री बाय टू टू सेवन बाय टू, ये जब माइनस करेंगे फोर बाय टू, ये पॉसिबल नहीं है। फाइव बाय टू टू, वन बाय टू तक जाएंगे, फोर बाय टू टू आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ से यहाँ आएंगे, फाइव माइनस थ्री टू डिवाइडेड बाई टू वन आ जाएगा, तो ये पॉसिबल है। नेक्स्ट फाइव बाई टू टू फाइव बाई टू तक पॉसिबल है, क्योंकि ज़ीरो आ जाएगा। फाइव बाई टू तो सेवन बाई टू तक, माइनस टू बाई टू माइनस वन आएगा, ये भी पॉसिबल है। तो कितनी लाइंस आ गई मेरे पास, सिक्स। तो हाइपरफाइन में कितनी लाइंस आएंगी, सिक्स। तो ऐसे आपको फाइंड करने आना चाहिए, हाइपरफाइन में हम कैसे करते हैं और फाइन स्ट्रक्चर में हम कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, उससे पहले जो भी मेरे पास टू हाइपरफाइन लेवल्स आ रहे हैं, ठीक है, एक एफ की वैल्यू ऐसे है, तो एक लेवल जैसे यहाँ पे एफ की वैल्यू वन है, यहाँ पे एफ की वैल्यू ज़ीरो है, तो दो हाइपरफाइंस में, हाइपरफाइन लाइन में एनर्जी डिफरेंस कितना आ रहा है, क्योंकि जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस की वजह से ही तो स्प्लिटिंग हो रही है। तो कितना एनर्जी में डिफरेंस होता है, एनर्जी में डिफरेंस होता है ए डैश एफ प्लस वन। ए डैश क्या है, हमारा कांस्टेंट है, हाइपरफाइन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब एफ की वैल्यू, यहाँ पे ध्यान रखना है हमारे पास टू लेवल में एनर्जी डिफरेंस आपको फाइंड करना है। अब या तो आपको ऐसा करना है कि अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है तो एफ की लोएस्ट वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है तो लोएस्ट वैल्यू पुट करोगे, या फिर अगर आपको इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश एफ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अब कौन सी वैल्यू पुट करोगे जो हाईएस्ट होगी। यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करनी है जो स्मॉलेस्ट है, ठीक है। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, या तो आप इसमें f प्लस वन में वैल्यू पुट करो, तो कौन सी वैल्यू पुट करोगे, लोएस्ट वाली, ठीक है, यहाँ पे लोएस्ट कौन सी है, ज़ीरो। अगर आप इस कंप्लीट की जगह पे या फिर पुट कर सकते हो जो हमारी हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन। चाहे हाईएस्ट वैल्यू पुट करो, लोएस्ट वैल्यू पुट करो, रिजल्ट विल बी सेम। तो ऐसे दो लेवल्स में एनर्जी डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके बेस पे ही न्यूमेरिकल है, हमारे पास ये ट्रांजिशन गिवन है, यहाँ पे जो टू की वैल्यू है ये हमने टर्म सिंबल में नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पे कोई वैल्यू हो, बट यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि ये कौन सी वैल्यू है, एफ की वैल्यू गिवन है।
सेपरेशन गिवन है इन दो लेवल्स के लिए, 2 to 3 तक जब ट्रांजिशन होगी तो उसमें सेपरेशन कितनी होगी, यहाँ पे गिवन क्या है, जब F की वैल्यू 2 है और F की वैल्यू 3 है तो एनर्जी का डिफरेंस कितना है, 30। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है जो रेस्ट ऑफ द लेवल्स हैं उनमें एनर्जी का डिफरेंस क्या आएगा। तो रेस्ट ऑफ द लेवल्स के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि लेवल्स कौन से हैं। तो उसके लिए J की वैल्यूज हमें गिवन है 5/2 है और I की वैल्यू हमें गिवन है 9/2। तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, तो F की वैल्यू क्या आएगी, I माइनस J टू I प्लस J। I की वैल्यू क्या है, 9/2 है और J की वैल्यू क्या है, 5/2। ये आ जाएगा 4/2 टू, ये आ जाएगा 14/2। तो F की वैल्यू आ जाएगी 2 to 7, मीन्स 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, अब इन दोनों लेवल के लिए एनर्जी डिफरेंस गिवन है तो हम इसको लिख सकते हैं, कितने लेवल्स हैं मेरे पास, 6। F की जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ही एनर्जी ज़्यादा होगी। अब इन दोनों के लिए हमें एनर्जी गिवन है, एनर्जी क्या गिवन है हमें, 30। डेल्टा E क्या होता है, A डैश F प्लस 1। अब इसके लिए 30 गिवन है, A डैश। अब F की वैल्यू या तो 2 पुट कर लो या फिर टोटल को क्या लिख देना है, जो हाईएस्ट वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 + 1 = 3 आ जाएगा। तो A डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 10। अब A डैश की वैल्यू निकल गई, अब हमें इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस फाइंड करना है, इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए, क्योंकि एडजेसेंट लेवल्स के लिए हमें फाइंड करने हैं। तो अब A डैश की वैल्यू हमें पता है तो हम एनर्जी डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे हम फाइंड करते हैं F3 to F4 के लिए, तो डेल्टा E क्या हो जाएगा मेरे पास, A डैश की वैल्यू 10 है। अब यहाँ पे चाहे तो लोएस्ट वैल्यू पुट करो या फिर टोटल को क्या लिख देना है, हाईएस्ट। तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4। तो ये आ जाएगा मेरे पास 40। इसमें डिफरेंस था 30, इसमें क्या आया है, 40। अब अगर हम फाइंड करें 4 to 5 के लिए, 4 to 5 के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 5। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 50। तो इनमें क्या कितना है डिफरेंस, 50 का। ऐसे ही 6th और 7th के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी 5th और 6th के लिए फाइंड करते हैं पहले, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए डैश की वैल्यू क्या है, 10 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70। ठीक है, तो दो लेवल में एनर्जी डिफरेंस कितना है, A डैश F + 1। यहाँ पे ध्यान रखना है, चाहे तो इसमें लोएस्ट वैल्यू पुट कर लो या फिर पूरे को क्या पुट कर दो, हाईएस्ट वैल्यू।